दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माइनू ऑनलाइन टेक पर। दोस्तों SBI CSP पर IMPS ट्रांसफ़र पर लगातार आजकल जो है एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही हम लोग IMPS ट्रांसफ़र करने जाते हैं और वहाँ पे डीम सक्सेस हो जाता है, लेकिन डीम सक्सेस भी होता है तो वो किस तरह से होते हैं वो जो IMPS ट्रांसफ़र करते हैं उनको ही पता है। क्योंकि पहले अगर डीम सक्सेस होता था तो डायरेक्ट डीम सक्सेस बोल के रसीद जो है निकाल जाता था, लेकिन आजकल जो है डीम सक्सेस होने के बाद फिंगर पे आ जाता है, जैसे कि आपको डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल रहा होगा, डायरेक्ट फिंगरप्रिंट पर आ जाता है। और यहाँ पे अगर हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं किसी कस्टमर का, सामने वाला कस्टमर डिपॉजिट करने आया था उनका जो है फेल हो गया है IMPS, तो उनका ही फिंगर लगवाना पड़ेगा। जैसे फिंगर पर कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद कुछ एरर आ जाता है जहाँ पे लिखा हुआ आता है यूअर रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड ऐसा बोल के, और एक रेड हेडलाइन आ जाता है जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर यहाँ से छूट भी जाता है, हम ओके कर देते हैं, तो ये जो है उसके बाद में हम दोबारा ट्रांजेक्शन कर नहीं पाते हैं जब तक हम ये फिंगर प्रिंट ना ले। तो अगर दोबारा ट्रांजेक्शन करने जाते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ वहाँ पे क्या शो होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक CIF डालता हूँ, मैं CIF डाल के वहाँ पे मैं कुछ रुपये एक रुपया डिपॉजिट करके आपको दिखाता हूँ कि अगर ये IMPS ट्रांसफ़र के डीम सक्सेस होता है तो वहाँ पे अगर हम फिंगरप्रिंट ना ले तो हम कुछ भी ट्रांजेक्शन कर नहीं पाएंगे, चाहे वो विड्रॉल हो चाहे वो डिपॉजिट हो, जब तक इसको क्लियर ना करे। तो जैसे हम डिपॉजिट करने जाते हैं वहाँ पे लिखा हुआ आता है सम ऑफ योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज अननोन, प्लीज़ डू ट्रांजेक्शन इंक्वायरी फॉर जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले का एक जो है कुछ ट्रांजेक्शन पेंडिंग है उसको आप क्लियर कीजिए ट्रांजेक्शन इंक्वायरी पे जाके। तो उसको क्लियर करने भी हम जाएंगे तो जैसे SBI अदर सर्विस है वहाँ पे जाने के बाद दूसरे नंबर पर टाइम आउट ट्रांजेक्शन इंक्वायरी होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा हम लोगों को कि जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ था वो पेंडिंग है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन इंक्वायरी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वही जगह पे आ जाएगा फिंगरप्रिंट जहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट करने के बाद डीम सक्सेस होने के बाद डायरेक्ट जिस स्क्रीन पर आ जाता था फिंगर पर वहीं पे आ जाएगा। फिर से अगर वहीं पे अगर हम मान लीजिए और एक उंगली सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके उंगली लगाया, फिंगरप्रिंट कैप्चर भी किया, तब भी वही प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिल रहा है। ये सिर्फ जो जो CSP IMPS ट्रांजेक्शन करते हैं उनको ही पता लग रहा होगा, बाकी सबको जो है पता नहीं लग रहा क्योंकि वो IMPS ट्रांजेक्शन करते नहीं है, तो वही जगह पे आके यही एरर दिखाते हैं। अब इसको हम कैसे क्लियर करें और यहाँ से हम जो है ट्रांजेक्शन को कैसे हटाए, उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को इस हमारा ID को लॉगआउट कर दूँगा और वीडियो को ऑफ कर दूँगा और क्लियर होने के बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए मैं यहाँ से जो है हमारा ID लॉगआउट कर देता हूँ, आप वीडियो पर बने रहना। तो जो भी काम करना था वो मैं कर लिया, वो भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब यहाँ पे ID दोबारा मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करके अदर सर्विस पर गया और टाइम आउट ट्रांजेक्शन इंक्वायरी पे जैसे हम क्लिक किया, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है नो टाइम आउट ट्रांजेक्शन, यानी कि यहाँ से क्लियर हो गया है तो जो है अभी कुछ पेंडिंग नहीं है। अगर हम टाइम आउट ट्रांजेक्शन एक्नॉलेजमेंट पर भी जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो है वो दिखाई नहीं देगा, जो पेंडिंग ट्रांजेक्शन था, जो इंक्वायरी हमें करना था वो इंक्वायरी यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो चलिए मैं आपको जो है और उसी तरह जो है डिपॉजिट करके भी दिखाता हूँ कि आगे जाता है कि नहीं। जैसे कि पहले टाइम आउट ट्रांजेक्शन पर पेंडिंग था तो हम डिपॉजिट करने गया था, वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता था कि सम ऑफ योर ट्रांजेक्शन इज अननोन पेंडिंग, तो वही क्लियर हो गया है अभी। तो क्लियर कैसे किया मैंने तो भी आपको मैं बताऊंगा। अभी देखिए मैं डिपॉजिट करने जैसे ही गया तो जो है डिपॉजिट का स्क्रीन जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन आ गया, यानी कि डिपॉजिट हो रहा है। तो आपको मैं प्रूफ दिखा दिया कि सबसे पहले हमें पेंडिंग था, तो पेंडिंग पे हमें कैसा क्लियर करने के लिए बताया जाया था, तो मैं वीडियो बीच में पोस्ट कर दिया। वीडियो पोस्ट करने के बाद फिर मैंने क्लियर किया, क्लियर कर वीडियो को दोबारा कंटिन्यू किया। तो आपको मैं अभी बता दूँ मैंने क्या किया था, मैंने ID को लॉगआउट किया था, लॉगआउट करके उसके बाद में मैंने सबसे पहला जो काम किया मेरा इंटरनेट एक्सप्लोर का हिस्ट्री जो है उसको मैं क्लियर किया और कुकीज़ जो है वो क्लियर किया। मैं अभी तक इंटरनेट एक्सप्लोर पे चलाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज पे चलाता नहीं हूँ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे चलाते हो तो वहाँ का हिस्ट्री आपको क्लियर कर लेना है, कुकीज़ आपको क्लियर कर लेना है। सेकेंड थिंग जो भी टेम्परेरी फाइल्स है रन पे जाके टेम्परेरी फाइल्स प्रेफ्रेस और रिसेंट जो भी फाइल्स है वो आपको क्लियर कर लेना है। एंड अगर आपके पास क्लीनर है तो CC क्लीनर होगा शायद, तो CC क्लीनर को आपको एक बार क्लीन कर लेना है। क्लीन करके आपको ID को रीस्टार्ट कर लेना है, यानी कि आपने मशीन को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करके जो भी आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस है मार्फो डिवाइस उसको एक बार अनप्लग करके आपको प्लग कर लेना है। एंड देन जाकर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके आप लॉगिन करेंगे तो आपको प्रॉपरली
जो है मेरे तरह ऐसे ही दिखाई देगा कि ये ट्रांजेक्शन क्लियर हो चुका है। अगर इसी तरह आपको क्लियर नहीं दिखाई देता है तो आप ट्रांजेक्शन इंक्वायरी जो है वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट लेने के लिए दिखाई जाएगा, तो आप फिंगरप्रिंट ले लेना, तो वहाँ पे आराम से जो है आपका फिंगरप्रिंट भी कैप्चर कर लिया जाएगा और डिम सक्सेस वाला जो स्क्रीन है वो आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट भी फिर से ओपन करके दिखा दिया, जो करंट ट्रांजेक्शन है वो वहाँ पे नीचे डिम सक्सेस आपको दिखा रहा होगा, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके आगे आपको जो है जैसे मेल करना पड़ता है, यानी कि CCPM पर कंप्लेंट करना पड़ता है, आपको उसी तरह आपको कंप्लेंट करना है लिख के कि हमारा जो एक ट्रांजेक्शन किया था वो डिम सक्सेस हो गया। तो उसके जो भी रूल है, दो दिन के बाद में अगर पैसा कस्टमर के अकाउंट पे चला जाता है वो भी आपको CCPM पे आपको दिखा देगा स्टेटस पे कि कस्टमर के अकाउंट पे क्रेडिट हो गया, या तो अगर रिफंड के एलिजिबल होता है तो भी आपके ID पे रिफंड के एलिजिबल दिखा देगा, वो आपको जो है CCPM पर कंप्लेंट कर लेना है। तो इसी तरह आपको जो है इस प्रॉब्लम से दूर होना है। कई बार क्या होता है, किसी को जानकारी नहीं रहता है तो वो जो है बहुत पूरे दिन भर फंसे रहता है, ऐसा अटका हुआ रहता है, कस्टमर गड़ी लगे रहता है और कस्टमर को ट्रांजेक्शन कर नहीं पाता है। जैसे ही आपका कभी भी ऐसे ही होता है IMPS ट्रांजेक्शन जो है ऐसा फेल हो जाता है और इस तरह जब आपको फिंगरप्रिंट लेने का आपके पास शो नहीं होता है, तो आप कृपया इसी तरह हिस्ट्री को क्लीन कीजिए। मैंने जिस तरह किया इस तरह क्लीन करके आप ID को दोबारा लॉगिन कीजिए, तो आपका जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगा और आपका जो भी कस्टमर सामने खड़ा है उसको आप सर्विस दे पाओगे, नहीं तो आपका जो है ये काम के लिए बहुत पूरा दिन चला जाता है। तो इसी तरह SBI CS पर रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर बनते रहते हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल से जुड़ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।